अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तो आज हम पिज़्ज़ा पराठा बनाएंगे। ये आलू फ्राई है, मैंने मिर्ची डालकर और जीरा डालकर तड़का लगाकर इसे फ्राई करके रख दिया था। इसमें डाल दूंगी मैं टमाटर, एक डाल दूंगी शिमला मिर्च, डाल दूंगी आधा शिमला मिर्च है बारीक चॉप करके रखा है मैंने, और ये एक प्याज है इसे भी बारीक कट करके रखा है, और इसमें थोड़े से अब मैं चीज़ डाल दूंगी कद्दूकस करके जो मैंने पहले से ही रखा था। आप चाहो तो मोजरेला चीज़ भी डाल सकते हो अगर आपके पास है तो। इसमें थोड़ा सा ओरेगानो डाल दे रही हूँ और थोड़ा सा पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल देंगे। हम पिज़्ज़ा वाला ही मसाला सारा इसमें यूज़ करेंगे, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल दूंगी। अब इसमें एक चम्मच पिज़्ज़ा सॉस डाल देंगे, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर डाल देंगे और थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि इसमें हमने जो डाला है पहले से हमने आलू में सॉल्ट डाल रखा था, और सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे एक अच्छी सी फिलिंग तैयार हो जाए। थोड़ा सा यहाँ पर डस्ट कर लेंगे, हम नॉर्मल आटा ले रहे हैं, आप चाहो तो मैदा का आटा ले सकते हो कूद कर। मेरी ये जो डेली की रोटी होती है गेहूं का आटा, वो वही आटा है, हम उसी से बनाएंगे। अगर आप मैदे का बना रहे हो तो एक कप मैदा एक कप आटा लीजिएगा, खाली मैदे का मत बनाइएगा। इन दोनों को हम इस तरह से बराबर इक्वल इक्वल करके ले लेंगे। इसे बेल देंगे इस तरह से, और इसे साइड में करके दोनों को बेल लिया मैंने। अब दोनों में हम बीच में रख के इसमें फिलिंग डालेंगे। और सभी को अच्छे से इसमें हम लगा देंगे। अगर आप ज्यादा चीज खाना चाहते हैं इसके ऊपर से भी आप चीज डाल सकते हो, ये बिल्कुल नहीं फटेगा, सेकते समय आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। हम वैसे भर के इसे नहीं बना सकते थे, बेलते समय फट जाता है, इसलिए हम इसे दो पार्ट में करके इस तरह से, तो इसमें हम पानी लगाएंगे इस तरह से चारों तरफ से, सब गोल गोल इस तरह से पानी लगा देंगे। बहुत पानी नहीं लगाएंगे, हल्का हल्का इस पर हम पानी लगाएंगे जैसे कि हम उसे कवर करें तो ये चिपक जाए। अच्छे से दोनों को बराबर से इस पर लगा देंगे। रोटी जब बेलना तो इक्वल बेलना, बड़ी छोटी ना बेलना। और अब इसे फोक की मदद से हम क्या करेंगे, दबा देंगे, एक तरह से डिजाइन भी बन जाएगा और ये अच्छे से चिपक भी जाएगा। इस तरह से कर लीजिएगा, बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, ये फटेगा भी नहीं खुलेगा भी नहीं। चलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा घी डाल दे रही हूँ, इसे हम ऐसे तो नहीं सेक सकते, ये पिज़्ज़ा पराठा है इसलिए थोड़ा घी लगा के अच्छे से पहले से लगा देंगे तो एक साइड से अच्छे से पक जाएगा। देखिए बिल्कुल पिज़्ज़ा की तरह ये मोटा सा है, इसे हम कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए जिससे इसके अंदर की सब्जियां अच्छे से पक जाएं। चलिए यहाँ पे मैं एक रोल ले ली हूँ आटे का और इसे थोड़ा मोटा ही ली हूँ, वो डबल कवर करना था इसलिए पतला लिया, तो इसे थोड़ा मोटा लिए हैं, और इसे अच्छे से गोल बेल लेंगे, थोड़ा बड़ा बनाएंगे उसके हिसाब से। चलिए बहुत बड़ा नहीं करेंगे, बस इतना ही करेंगे, ये थोड़ा देखिए मोटा है उससे। अब इसे हम आधे तरफ ही इसे डालेंगे, पूरा नहीं फैलाएंगे, बीच में इसे आधा इस तरह से लगा देंगे।
अब इसमें हम पानी लगा देंगे इस तरह से, और इसे उठा के इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे। जिसे दोनों कवर करने में प्रॉब्लम होगा वो इस तरह से बना लो, इजीली बन जाएगा, और फोक की मदद से इसे हम दबा देंगे। ये लो हमारा पिज्जा पराठा, देखो इस तरह से करेंगे तैयार हो गया। अब इसे हम पलट देंगे, दूसरे साइड भी कर लेंगे, और फिर से इसे कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए। चलिए अब इसमें हम देखिए अच्छे से ये पकने लगा है, इसे हम घी लगाकर दोनों साइड से इस तरह से पका लेंगे। इसमें इतना अच्छा टेस्ट आता है, अंदर पिज्जा का टेस्ट रहता है, ऊपर घी का टेस्ट रहता है। इसे सेकते समय गैस का फ्लेम बिल्कुल फास्ट ना करें। चलिए हो गया, निकाल लेते हैं। और हमने जो आधा वाला बनाया था अब उसे भी हम इसमें घी लगा दे रहे हैं पहले, और उसे भी इस तरह से पका लेंगे। सेम प्रोसेस से इसे भी पकाएंगे। ये बहुत ही फटाक से हो जाएगा। कवर कर देंगे तो अंदर की सब्जियां पकने में बहुत इजी होगा, वरना सब्जियां थोड़ी कच्ची रह जाएंगी। उसके बाद आप खोलकर इसे इस तरह से पका सकते हो, फिर ढकने की जरूरत नहीं है। चलिए आपको हम इसे कट करके दिखाते हैं। ये कट कर ले रहे हैं, हो गया है ये पिज्जा पराठा। और इसे भी कट कर लेते हैं पिज्जा की शेप में। थोड़ा सा ओरिगैनो डाल देंगे, थोड़ा सा पिज्जा सीजनिंग डाल देंगे। सेम उसी तरह से डाल के आप लोग खा सकते हो इसे भी। तो फ्रेंड मेरी रेसिपी बनके तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।